ए हाउस प्लान दोनों भाइयों के लिए बनाया गया मिड पॉइंट से डिवाइडेड करके। बिल्डअप एरिया 40 फीट बाई 41 फीट, 40 फीट फ्रंट और 41 फीट इस डायरेक्शन में, 41 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। और इस प्लॉट में आपका इंट्रांस फ्लैट ए में यहाँ से होगा और फ्लैट बी में यहाँ से। इस प्लॉट में मैं सिर्फ आपको फ्लैट ए दिखाऊंगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। यह पर होगा आपका मेन डोर, इस डोर का साइज है 4 फीट और इस स्टेयरकेस का फर्श जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा, यह आपका फर्स्ट राइजर और एक सेकेंड राइजर यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा स्टेयरकेस का लॉबी और सामने यहाँ पर सेकेंड मेन डोर और दाहिने तरफ स्टेयरकेस का आप यहाँ पर डोर देंगे तो आप किसी भी फ्लोर को रेंट पर दे सकते हैं। इस डोर का साइज है 3 फीट 3 इंच विदाउट डोर फ्रेम। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम के दाहिने तरफ यहाँ पर सिटिंग एरिया 3 यूज़र और यहाँ पर डाइनिंग 4 यूज़र और इस वॉल के साथ टीवी यूनिट। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 10 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 12 फीट 5 इंच। ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन ऐसा होगा, ये आपका किचन और इस ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन इस विंडो से हो जाएगा। अब देखते हैं आपका फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर, यहाँ पर सेकेंड बेडरूम का डोर और इस रूम के पास यहाँ पर थर्ड बेडरूम का डोर। पहले देखते हैं फर्स्ट बेडरूम। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 12 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 7 इंच। रूम में 2 विंडो है और इस रूम के साथ आपको मिलेगा पोर्च एंड अटैच टॉयलेट। इस पोर्च का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच और एक टॉयलेट इस डायरेक्शन में 3 फीट और इस डायरेक्शन में 5 फीट 4 इंच। अब देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 1 इंच। रूम में 1 विंडो है। अब देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 8 फीट 9 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट 8 इंच। इस रूम में 2 विंडो है और इस रूम के पास यहाँ पर आपका किचन। इस किचन का चौड़ाई है 4 फीट 1 इंच, 4 फीट 1 इंच ऐसे लेकर यहाँ तक होगा और लंबाई में 7 फीट 5 इंच, 7 फीट 5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अब देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट, ये आपका कॉमन टॉयलेट। इस टॉयलेट का साइज है इस डायरेक्शन में 4 फीट 11 इंच और इस डायरेक्शन में 5 फीट 4 इंच। इस टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसा होगा, इस कॉमन टॉयलेट के पीछे यहाँ पर जो अटैच टॉयलेट है, इस अटैच टॉयलेट के ऊपर लिंटन लेवल पे अगर आप एक्स्ट्रा रूम देंगे तो इस टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज है 6 फीट 4 इंच बाई 13 फीट 5 इंच, 6 फीट 4 इंच ऐसे लेकर यहाँ तक होगा और 13 फीट 5 इंच ऐसे लेकर यहाँ तक होगा। और इस स्टेयरकेस में आपका ऐसा होगा, यह आपका फर्स्ट टाइजर और ये फर्स्ट टाइजर ऐसे 3 फीट 3 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट और इस लैंडिंग का भी चौड़ाई है 3 फीट। इस स्टेयरकेस में 1 2 3 4 ऐसे करके 22 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट। इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक और इस दोनों स्टेयरकेस के सामने ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये डिज़ाइन के लिए, ये पोर्शन इस लैंडिंग को एक्सटेंड करके बनाया गया।
इसका चौड़ाई देखे तो 2 फीट 1 इंच। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देख लिया कैसे इस ड्राइंग को अरेंज कर गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।